गुरुवार शाम विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के सामने कनाडा को लेकर सवालों की झड़ी थी। उन्होंने सिलसिलेवार जवाब दिया, कहा कि आज की तारीख में कनाडा आतंकवाद की पनाहगाह बना हुआ है। वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दे, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और वहाँ आइदर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। इस बीच भारत ने कनाडा पर और भी दबाव बढ़ा दिया है। बुधवार को एनआईए ने 43 मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की, जिनमें आधे कनाडा में ही हैं, और गुरुवार को कनाडा के नागरिकों को वीजा देने का काम भारत ने रोक दिया, राजनयिकों की सुरक्षा का हवाला देकर। हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनके उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिस्ट्रप्शन आई है, इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्परारीली वीजा एप्लीकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कैनेडियन कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीजा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है, और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। कनाडा अपने लिए समर्थन जुटाने में लगा है। 5 देशों के साथ खुफिया सूचनाओं के तालमेल वाली 5 आई संधि की छतरी के बावजूद फिलहाल उसे नाकामी ही हासिल हुई है। इधर भारत ने भी अपनी कूटनीतिक पहल तेज कर दी है। We have ongoing conversations with our friends and partners. I have highlighted our position very clearly and this is what we have shared with them. कनाडा ने इस बीच अपने राजनयिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। भारत ने साफ किया है कि वो यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन भारत ने राजनयिकों की तादाद में बराबरी लाने की बात की है। वैसे ये तनाव जल्द खत्म हो, ये दोनों देशों के लिए जरूरी है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।